देश के पुरकाजी क्षेत्र में भी किसान जंगली जानवरों से परेशान हैं। जंगली जानवर किसानों की फसलों को क्षतिग्रस्त करते हुए उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेबस किसान इन जंगली जानवरों के आगे मजबूर हैं। अफसोस की बात यह है कि प्रशासन के पास जंगली जानवरों को रोकने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। ऐसे में गरीब किसान आकर जंगली जानवरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए किसके पास जाए? कोई भी किसानों का दर्द सुनने को तैयार नहीं है। जंगली जानवरों का आतंक पुरकाजी क्षेत्र में चरम पर पहुंच गया है, जहां किसान इन जंगली जानवरों से तंग आकर अपने खेत में बैठकर रात गुजारने को मजबूर हैं। वहीं जंगली जानवर भी इतने होशियार हो गए हैं कि किसान खेत से हटा नहीं कि तुरंत मौका पाकर खेत के अंदर घुस जाते हैं, और जब किसान इन जंगली जानवरों को खेत से भगाने का प्रयास करते हैं तो मौका पाकर ये किसान को भी घायल कर देते हैं। फसल चाहे जो भी हो, ईख मटर गेहूं, जानवर खेतों में घुसते हैं और किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाते हैं। मगर बेबस किसान आखिर क्या करे और कहां पर इनकी शिकायत करे? कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई उपाय नहीं है। किसान आज के समय में वैसे ही मंदी की मार के तले दबा हुआ है। ऋण लेकर अपनी फसलों के लिए बीज, खाद, दवाइयों की व्यवस्था करता है। किसानों की फसलों में जितनी लागत लगती है उतना उन लोगों को मुनाफा नहीं मिल पाता है। गन्ने के दाम कम है, समय पर पेमेंट नहीं हो पाता। ऊपर से ये जंगली जानवर किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। जंगली जानवर से प्रॉब्लम तो यह है कि आप बंदर, नील घोड़े और बहुत छोटे छोटे जो जानवर हैं, सेव हुई जो भी है, वो सब नुकसान करते हैं। मांग तो ये भाई, इसके ऊपर कोई ध्यान दिया जाए। किसान की तो सरकार है ही नहीं है, उद्योगपति की सरकार है। गरीबी की मार, समय समय पर प्रकृति का अन्याय, सरकारों की अनदेखी के बीच इन जानवरों ने तो किसानों का जीना दूभर कर दिया है। वो जाएं तो कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं? फसलों को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन जानवर हैं कि मानते नहीं। उन्हें तो जैसे किसानों से कोई वैर हो, ले दे के वो किसानों की फसल नष्ट करने तक पहुँच जाते हैं। कुछ खाते हैं और कुछ बर्बाद करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि किसानों के पास जो कुछ भी है यही है उनकी आशाएं, उनका सपना, उनकी दौलत और उनका सहारा। जंगली जानवर की बात ना पूछो जी, लील गाय नीचे नीचे का जो आम लगता है वो टोटल खा जाती है, और गवर्नमेंट से जो हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसका पैसा इसमें लगाते हैं, और जब ये फसल को खा जाते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं रहता, फिर हम जो मजबूर होकर हमारा क्रेडिट कार्ड रुक जाता, परेशान हो जाते हैं हम। किसान हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी फसलों को इन जंगली जानवरों से बचा पाए। इसके लिए उन्होंने रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान कर दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। इसके लिए लगातार संघर्ष करते किसानों पर कई बार जानवर हमला भी कर देते हैं और ये जानलेवा भी साबित होते हैं, लेकिन प्रशासन में बैठे बाबुओं को इससे कुछ लेना देना नहीं। जी मटर की फसल में आकर जानवर आकर इसमें कूदते हैं, खाते हैं इन्हें, और रात में, दिन में, अब बताओ कहां तक इनका पहरा दें हम। दिन ब दिन जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से किसानों की फसल तो नष्ट होती ही है, बल्कि जान भी जाती है। किसानों का जीना मुहाल हो गया है। उनकी एक ही मांग है कि किसी तरह से उन्हें इस आफत से छुटकारा मिले, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब देखना यह है कि कब तक किसानों को इससे निजात मिलती है। टीवी 100 के लिए पुरकाजी से जीशा।